नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3X 5G वर्सेस Samsung Galaxy M35 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3X में 6.52 इंच जबकि Galaxy M35 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3X से कम है। विड्थ की बात करें तो A3X में 2.99 इंच जबकि Galaxy M35 में 3.09 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A3X में 0.3 इंच जबकि Galaxy M35 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3X में 187 ग्राम्स जबकि Galaxy M35 में 222 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि A3X से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3X में LCD जबकि Galaxy M35 में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A3X में 20:9 जबकि Galaxy M35 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3X में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy M35 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3X में 720x1604px HD+ और Galaxy M35 में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3X में 85.29% जबकि Galaxy M35 में 83.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M35 में 390 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेंसर देखने को मिलता है। और Galaxy M35 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3X में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M35 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy M35 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3X में Mali-G57MC2 जबकि Galaxy M35 में Mali-G68MP5 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3X में MediaTek Dimensity 6300 और Galaxy M35 में Samsung Exynos 1380 मिलता है। बात करें रैम की तो A3X में 4 GB जबकि Galaxy M35 में 6 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3X में अप टू 2 TB जबकि Galaxy M35 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3X में 5100 mAh जबकि Galaxy M35 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A3X 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Galaxy M35 की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A3X 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M35 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M35 आगे है, मेन कैमरा में Galaxy M35 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।